संत और नाग की कहानी। एक समय की बात है, किसी गांव में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। उनके परिवार में उनकी पत्नी और एक पुत्र था। वह बहुत ही गरीब थे। उनके पास कभी कभी खाने को भी नहीं होता था। ब्राह्मण की पत्नी बहुत दुष्ट और चालाक थी, इसलिए वह रोज ब्राह्मण को भिक्षा मांगने जाने के लिए कहती थी, पर ब्राह्मण उनकी एक भी नहीं सुनता था और घर में राम नाम जप करते रहता था। पत्नी के रोज रोज लज्जित करने पर ब्राह्मण एक दिन सुबह सुबह उठ और अपने पोती पत्रा उठाया और दूसरे गांव में चल दिया। चलते चलते वह घने जंगल में पहुंचा और अंधेरा हो गया था। वह वहाँ एक बड़ा सा पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और राम नाम जपने लगा। सुबह होने पर वह जब उठा तो पास के सरोवर पर स्नान करके वह आगे चला और दूसरे गांव में पहुंचा। गांव वाले उससे ना तो कोई कथा सुनना चाहते थे और ना ही कोई भिक्षा दे रहे थे। वह ब्राह्मण दुखी होकर घूम फिर कर फिर उसी पीपल के पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। वह पीपल का पेड़ बहुत ही विशाल था। उस पेड़ के जड़ में एक विशाल काला सांप रहता था। उस ब्राह्मण ने सोचा कि मेरी कथा तो कोई सुन ही नहीं रहा है, यह कथा मैं पीपल के पेड़ को सुना देता हूँ। अपनी कथा सुनाने लगा। कथा पूर्ण होने पर पेड़ के नीचे एक काला नाग निकला और इस ब्राह्मण को एक स्वर्ण मुद्रा देते हुए बोला, तुम रोज यूं ही यहाँ आकर मुझे कथा सुनाया करो, मैं रोज तुम्हें स्वर्ण मुद्रा दूंगा। ब्राह्मण यह बात मान लिया और ना यह बात तुम किसी को भी मत बताना, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण रोज ऐसा ही करता था। सुबह उठकर नहा धोकर अपनी पोती पत्रा लेकर वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे पहुँच जाता और वह बैठकर कथा सुनाता। कथा पूर्ण होने पर नाग सोने की मुद्रा भेंट करता। देखते देखते ही ब्राह्मण धनिक हो गया। पूरे गांव में यह चर्चा होने लगी कि ब्राह्मण की दशा कैसे सुधर गई, यह जरूर कोई गलत काम करता होगा। ब्राह्मण को लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, वह नित्य अपनी यही कार्य करता रहता था। एक दिन गांव की कुछ औरतें ब्राह्मणी के पास गई, उससे पूछने लगी कि आपके पति इतना धनवान कैसे हो गए, वह रोज कहाँ जाते हैं और रोज उनकी कथा कौन सुनता है। औरतों की बात सुनकर ब्राह्मणी के मन में शंका आ गया। उसने एक ही दिन अपने पति से पूछा कि आपको ये धन कहाँ से मिला है, मुझे भी बताइए। ब्राह्मण बोला, इससे तुम्हें क्या मतलब है, ऐसा कहकर ब्राह्मणी की बात टाल दी। कुछ दिनों तक उसे टालता रहता, पर एक दिन ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को मजबूर कर दिया। ब्राह्मण मजबूर होकर उसने अपनी पत्नी को नाग की सारी बात बता दी, जिस वजह से उसकी पत्नी के मन में लालच आ गया और ब्राह्मण के खाने में नशे की दवाइयाँ मिलाकर उसे खिला दिया और अपने बेटे से बोली, बेटा उस पीपल के पेड़ पर जाकर नाग को मारकर सारी संपत्ति ले आओ। ब्राह्मण का लड़का अपने पिता का पोथी पत्रा लेकर वहाँ गया और पीपल के पेड़ के आगे बैठकर कथा सुनाने लगा। कथा पूरा होने पर वह नाग बाहर आया और स्वर्ण मुद्रा देने लगा। तभी ब्राह्मण के बेटे ने कुल्हाड़ी से नाग पर वार कर दिया, जिससे नाग की पूंछ कट गई और नाग भी
पलट कर लड़के के पैर में ढस लिया, जिसे लड़के की मौत हो गई। ब्राह्मण को देखकर नाग बाहर आया और कहा, ब्राह्मण मैंने तुझे कहा था कि स्वर्ण मुद्रा की बात तुम किसी से नहीं करेगा और तुमने बता दिया, अब तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हें तुम्हारे पुत्र का दुख है और मुझे मेरे पूछ कटने का दुख है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारी जो संपत्ति मेरे द्वारा बनी थी वह सब नष्ट हो जाएंगी। ब्राह्मण नाग देवता के मुख से यह सुनकर सर पीटता रह गया और रोते बिलखते अपने पुत्र का शव लेकर वहाँ से चला गया। घर जाकर अपने पत्नी को बोला, देखो तुम्हारे लालच की वजह से हमने अपना एकलौता पुत्र गवा दिया और हमारी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। ब्राह्मणी भी रोती रही।